Now we will discuss the last part of your chapter that is the long questions. So the first long question is discuss the nature of the excretory products in animals to various habitat specifically associated of the water availability. और उन्होंने पहले पूछा है excretory products का तो पहले आपने excretion की definition देनी है, फिर आप जब बताना है कि excretory products क्या होती हैं और फिर उसके बाद आप जब बता दें है ammonia, urea और urea कैसे के बारे में और वो water conditions पे कैसे depend करता है क्योंकि उनके जो dissolve होने के लिए कितना amount of water required होता ह तो उसको जो है वो आपने एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और ये आपकी बुक के पेज नंबर फोर पे गिवन है सेकंड क्वेश्चन है अकाउंट एक्सुटिव सिस्टम इन अर्थ फॉर्म अर्थ फॉर्म का एक्सुटिव सिस्टम मैटर नफीडिया होता है आपने पहले उसको बताना है अर्थ फॉर्म के जो होते हैं वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं वो नफीडियो फोर से स्टार्ट होता है और देन नफीडियो फोर के ऊपर जो है वो एलिमिनेट होता है ये सारा कुछ आपने एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ और इसका जो आंसर है वो आपकी बुक के पेज नंबर नाइन पे गिवन है थर्ड क्वेश्चन है हाईलाइट द रोल ऑफ लिवर एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन रोल आपकी जो बुक के अंदर चैप्टर में जो लिवर का रोल है वो डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट को भी एक्सक्रीटरी वो बताया हुआ है लेकिन यहाँ पर आप तो फोकस करना है कि लीवर कौन कौन से एक्सक्रीटरी एलिमिनेशन के जो रोल होता है वो परफॉर्म करते हैं यानी कि आपके डिटॉक्सिफिकेशन यूरिया की फॉर्मेशन देन आपके जो है वो ब्लड ब्लड सेल्स की कन्वर्शन उनकी ब्रेक डाउन के अंदर फिर आपके अमीनो एसिड की कन्वर्शन में फिर आपके पास जो है वो मसल की जो होता है उसकी फॉर्मेशन में तो इन सब को जो है वो आपने एक्सप्लेन कर देना है और ये आपके बुक के पेज नंबर एलेवन पे गिवन है फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ वर्टिब्रेट नेफ्रॉन विद ऑल द ब्लड सप्लाई स्टेट द फंक्शन ऑफ द ईच पार्ट अब यहाँ पे आपने एक डायग्राम ड्रॉ करनी है नेफ्रॉन की और आपने उस तो हर रीजन को बताना है कि कौन सा रीजन यूरिन की फॉर्मेशन में कैसा जो है वो परफॉर्म करता है फंक्शन वीडियोस के अंदर आपका जो है ये पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है और आपकी बुक के अंदर पेज नंबर फोर्टीन आंसर जो है वो गिवन है फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द दर्मोल रेगुलेटरी स्ट्रेटेजीज इन मेमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन इन कोल्ड टेम्परेचर अब आपकी बॉडी के आपकी जो चैप्टर है उसके अंदर हीट एंड कोल्ड दोनों टेम्परेचर का आपने इसमें कोल्ड टेम्परेचर का बताना है फिर आपसे उसे अगर फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपको ज्यादा मार्क्स देगा और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर नाइनटीन पे गिवन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है डिस्कस द एक्सप्रेशन इन प्लांट प्लांट के अंदर एक्सवी मैकेनिज्म जो होता है वो एनिमल से डिफरेंट होता है और इसको आप एक्सप्लेन कर देना है कि हमारे पास जो है वो जाइलम के अंदर कौन सा होता है फिर आपके रूट्स के अंदर कुछ आ, केमिकल्स को रिलीज़ किया जाता है फिर आपके लीव्स के अंदर जो है वो उनको हम एक्सुटो फोर कहते हैं उन सबको आपने हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन कर देना है और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर सिक्स पे गिवन है तो इसके साथ ही हमारे जो है वो क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए आई होप आपको आज की एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी दिस इज लाइबर फ्रॉम टिटोलिया डॉट पी के साइनिंग ऑफ See you in the next chapter. Take care. Allah hafiz.